तो यहाँ मैंने पहले से आउटलाइंस कर रखी है, अब मैं उसको डार्क कर रही हूँ। तो यहाँ नीचे वाले हेयर्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं HB पेंसिल ये का ही यूज़ कर रही हूँ। HB पेंसिल से ही पहले ड्रॉ कर रही हूँ। और ऊपर के आईलैशेस भी मैं HB पेंसिल से ही ड्रॉ कर रही हूँ अभी। अब मैं यहाँ 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और 10B पेंसिल से आईबॉल बना रही हूँ। अब यहाँ 4B पेंसिल का यूज़ करके बेस लेयर क्रिएट कर लेनी है हमें। और फिर इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेना है। अब फिर से 10B पेंसिल का यूज़ करना है और ये जो डार्क पार्ट है वो क्रिएट करना है। फिर मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया है ये लाइंस ड्रॉ करने के लिए जो आईबॉल के अंदर है। आपको बस सेम डायरेक्शन में लाइंस ड्रॉ करनी है, छोटी बड़ी लाइंस जैसे रेफरेंस फोटो में दे रखा है। यहाँ ऊपर की साइड थोड़ा सा स्पेस है वो ज़रूर छोड़ लेना जैसे रेफरेंस फोटो में दे रखा है। ये स्पेस शैडो है और इससे लुक रियलिस्टिक आएगा। अब इन लाइंस को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ब्रश की हेल्प से। अब जो हमने ब्लैक पार्ट क्रिएट करा है उसके बाहर भी लाइंस बनानी है, तो उसके लिए भी मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। एकदम डार्क पेंसिल ही यूज़ करनी है आपको, जो भी आपके पास डार्क पेंसिल हो हाईएस्ट। और इन लाइंस को थोड़ा बहुत बीच में मैच कर लेना, एकदम छूटी हुई भी अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद मैंने ये ब्लेंड कर लिया और इरेजर से थोड़ा सा इरेज करा है, बट ये बहुत डार्क हो गए थे पार्ट्स तो इरेजर से नहीं इरेज हुए, तो मैंने यहाँ वाइट जेल पेन का यूज़ किया है। बीच का पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड ऊपर की शेडिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। वो मैंने HB पेंसिल से ही करी है पहले। पहले हमेशा बेस लेयर HB पेंसिल से ही क्रिएट करना, उसके ऊपर मैंने 4B पेंसिल यूज़ की है एंड फिर उसको ब्लेंड किया है। वो शेड थोड़ा और कम लग रहा था तो मैंने 6B पेंसिल से और डार्क कर लिया है एंड फिर उसको ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर दिया।
अब मैंने डार्क पेंसिल से आउटलाइन क्रिएट कर दिए, या मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया आउटलाइन क्रिएट करने के लिए भी। एंड फिर से उसको ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करना मत भूलना गाइस। एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल गाइस, ताकि मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर सकूं और आप प्रॉपर सीख पाएँ उससे। अब ऊपर के आई लैशेज क्रिएट करने के लिए भी मैंने 10B पेंसिल का ही यूज़ किया है। वो बहुत डार्क लाइन्स है तो मैंने 10B पेंसिल ही यूज़ करी है ज़्यादा इसमें। सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए, बट इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स है तो मुझे आगे झुक के करना पड़ रहा था, इसलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई है इसमें। बाल बीच में आ रहे हैं मेरे। कोई नहीं यार, थोड़ा सपोर्ट तो कर लो, थोड़ा तो चलता है ना। यहाँ 10B पेंसिल से ही थोड़ा बहुत शेड करा है मैंने, जो डार्क पार्ट है ना आई लैशेज के ऊपर ही, मतलब जहाँ से आई लैशेज स्टार्ट हो रही है वहाँ पर थोड़ा डार्क पार्ट है ना, तो वो मैंने 10B पेंसिल से ही क्रिएट किया है। एंड उसको भी ब्लेंड कर लिया फिर अच्छे से। अब अंदर का पार्ट बनाएंगे। इसमें भी पहले HB पेंसिल से मैंने शेड कर दिया है, बेस लेयर क्रिएट कर दी। एंड उसके बाद मैं नीचे के लाइंस बना रही हूँ, इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एंड उसके बाद हम डार्क पेंसिल से इसको अच्छे से क्रिएट करेंगे। यहाँ 4B पेंसिल का यूज़ किया है और थोड़े से पार्ट्स को अच्छा कर लिया है मैंने। अब यहाँ लाइंस क्रिएट करेंगे, ये भी पहले HB पेंसिल से मैंने क्रिएट करी है, जिसे आप दिख रहा होगा जूम करके। अब तो ये पहले मैंने HB पेंसिल से क्रिएट कर लिया, उसके बाद मैं 4B पेंसिल का यूज़ करके इसको डार्क कर लूँगी। ये रही 4B पेंसिल और इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया है मैंने। फिर इसको भी ब्लेंड कर लेना अच्छे से। ब्लेंड नहीं करोगे तो बहुत अजीब सी लाइंस दिखेगी सिर्फ उसमें, एंड वो रियलिस्टिक लुक नहीं देगा आपको। जहाँ आपको लगे थोड़ा सा डार्क हो गया है, वहाँ इरेजर की हेल्प से थोड़ा मिटा लेना एंड फिर वापस उसको ब्रश से ब्लेंड कर लेना, ताकि वो अजीब सा नहीं लगेगा। अब यहाँ मेरे पास वाइट जेल पेन है, मेरे पास यूनिबॉल का वाइट जेल पेन है और इससे मैंने वाइट डॉट्स क्रिएट किए हैं, जैसे कि रेफरेंस फ़ोटो में दिख रहा है आपको। एंड उसके बाद थोड़ा सा उसको शेड कर दिया है, ताकि वो एकदम ही वाइट अजीब सा ना लगे। अब चलते ऊपर की पार्ट की तरफ। एंड इसको भी HB पेंसिल से पहले शेड कर लिया एंड बेस लेयर क्रिएट करी, एंड उसके बाद इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। इसको फिर 4B पेंसिल की हेल्प से डार्क कर लेंगे। डायरेक्ट डार्क करोगे तो आपकी ड्राइंग बिगड़ जाएगी, आपका स्केच बिगड़ जाएगा और वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगेगा फिर। डिटेल्स के लिए वापस से वाइट जेल पेन यूज़ किया है। अब यहाँ वाइट जेल पेन से जो वाइट वाइट डॉट्स हैं और लाइंस हैं वो क्रिएट कर रही हूँ मैं, एक बार सीधी सीधी क्रिएट कर रही हूँ। एंड उसके बाद आपको एक टेक्निक बताऊँगी जिससे आप इसको इजीली क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि ये अपन को इस पे हेलिक्स बनाना है, लाइन खींचने के बाद हेलिक्स
क्रिएट करना है, और ये 4B पेंसिल से कर रही हूँ मैं। बस ऐसे स्लोली स्लोली हेलिक्स क्रिएट करना है, ताकि वो जो वाइट लाइंस खींची है हमने वो अजीब सी ना लगे और एकदम ब्लेंड हो जाए और सही लगे टेक्सचर। अब नीचे का पार्ट ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए भी सेम टेक्निक HB पेंसिल से शेड कर लेंगे सबसे पहले। और मैं यहाँ ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए। आप चाहें तो पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉटन और ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से 4B पेंसिल की हेल्प से इसको थोड़े से डार्क कर लेना है, नीचे के लाइंस को, लैशेस को। और लैशेस डार्क करने के बाद नीचे का पार्ट भी वापस से 4B पेंसिल से डार्क करना है, डार्क शेडिंग करनी है 4B से। फिर उसको भी ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर टॉम्बो रेज़र यूज़ किया है, मेरे पास ऐसा अप्सरा का टॉम्बो रेज़र है एंड इसकी लीड यूज़ की है मैंने, जिससे मैं ये वाइट लाइन्स क्रिएट कर सकूँ, जैसे कि आपको रेफरेंस पिक में दिख रहा होगा। अगर आपके पास टॉम्बो इरेजर नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हैं इजीली। बस आप कोई भी रबर ले लेना, आई वुड सजेस्ट अप्सरा का लेना, वो इजी होता है एंड अच्छा होता है। उसके बाद जैसे स्लाइस कट करते हैं वैसे एक पतली सी उसकी स्लाइस कट कर लेना इरेजर की, एंड आपको आपका टॉम्बो इरेजर मिल जाएगा। जो मैंने वाइट लाइंस क्रिएट करी थी उसको अच्छा दिखाने के लिए मैंने 4B पेंसिल का यूज़ करा है, एंड उससे उसकी बॉर्डर्स पे लाइंस क्रिएट कर दी है, ताकि वो और भी ज़्यादा उभर के आए। जैसी जैसी लाइंस आपको दिख रही है रेफरेंस फ़ोटो में, बस वैसे क्रिएट करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपका स्केच बहुत अच्छा बनेगा। अब मैंने यहाँ पर वाइट जेल पेन का यूज़ किया है, एंड उससे मैंने वाइट डॉट्स क्रिएट करे हैं, जो डॉट्स आपको दिख रहे होंगे रेफरेंस पिक में। उसके बाद मैंने ऊपर की शेडिंग कर ली है थोड़ी बहुत, ताकि ये एकदम रियलिस्टिक लग सके, एकदम बैकग्राउंड सही हो जाए इसका। एंड उसको डार्क करने के लिए कोई भी डार्क पेंसिल यूज़ कर लेना, मैंने यहाँ पर 6B यूज़ की है। गाइज आपको पेंसिल को चलाना अच्छे से आना चाहिए, 6B पेंसिल को कैसा चलाना है, 4B पेंसिल को कैसा चलाना है, कहाँ पर लाइट चलाना है, कहाँ पर डार्क चलाना है, ये सब प्रैक्टिस से होगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से कर लो। और अब मैंने कॉटन का यूज़ किया है, ताकि अच्छे से इसको मैं फैला सकूँ। और अब फिर से शेड कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा और डार्क चाहिए मेरे को शेड, तो ये डार्क लुक दे सकूँ इसको। मैंने यहाँ पर पेंटिंग ब्रश यूज़ किया, आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, फ्लैट ब्रश, राउंड ब्रश, कोई भी, बस साइज़ के अकॉर्डिंग लेना। अभी भी इसका लुक अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैंने कॉटन की हेल्प से इसको पूरा फैला दिया है, ये देखो इसमें पूरा फैला दे, ताकि ये थोड़ा और रियलिस्टिक लग सके। अब आंसू बनाने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले बूंद के लिए मैंने HB पेंसिल का यूज़ किया है, एंड पूरे को शेड कर लिया है सबसे पहले, फिर उसको ब्लेंड करके अच्छे से, एंड 4B पेंसिल या 6B पेंसिल का यूज़ कर लेना।
जैसे मैंने यहाँ पर 6B पेंसिल का यूज़ किया है थोड़ी डार्क शेड्स क्रिएट करने के लिए। आंसू बनाने के लिए सबसे पहले 6B पेंसिल से उसके बाहर की साइड शेड कर लिया है ताकि वो थोड़े दबा हुआ लगे यहाँ से एंड उभरा हुआ लगे जहाँ आंसू है, जहाँ वाइट पार्ट है। अब जो लाइंस दिख रही है वो भी अच्छे से क्रिएट कर लेना, जैसे कि ये लाइन मैंने क्रिएट करी है जो दिख रही है बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है लाइन। एंड लाइन बनाने के बाद अच्छे से उसको ब्लेंड भी करना, मैंने कॉटन का भी यूज़ किया है ताकि वो थोड़े पेज में फैल जाए। एंड अब बहुत सारे इसमें बारीक बारीक डिटेल्स है तो मैंने वो निकाली है, वो भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा पिक को, फिर ही आपको समझ आएगा। अभी तक आंसू पूरा बना नहीं हमारा, अभी उसके लिए हम वाइट जेल पेन का यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर इरेजर का यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से उसको क्रिएट कर पाऊँ एंड वाइट जेल पेन जब यूज़ करूँ तब मुझे प्रॉब्लम ना हो। जो पॉइंट आपको दिख रहा है पिक में वो पॉइंट मैंने क्रिएट कर लिया है, इसमें बना लिया अच्छे से। एंड वाइट जेल पेन यूज़ करो या फिर आप इरेजर का यूज़ करो, वापस से ब्लेंड करना उसको मत भूलना, वरना वो बहुत अजीब सा बहुत उभरा हुआ लगता है, वाइट जेल पेन से बहुत ज़्यादा वाइट लगेगा। अब यहाँ पर मैंने वाइट जेल पेन की हेल्प से ये डॉट डॉट्स जो है वो क्रिएट करे हैं। हमें हर एक डिटेल नोटिस करनी होती है और उसको पेपर पे ऐसे पेपर पे लाना होता है, ये बहुत बड़ा टास्क है गाइस। जो सोचते हैं ये बहुत छोटा मोटा या बहुत इजी है, उनको दिखा दो कि हम कर सकते हैं। सो फाइनल टच भी दे दिया है एंड हेयर आर द रिजल्ट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय, टेक केयर।